हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पहले ही दिन 11 बड़े फैसले लिए। सुक्खू ने निर्णय लिया कि पूर्व जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसले रिव्यू किए जाएंगे और कुछ को डिनोटिफाई भी किया जाएगा। जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त कर दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजों में से अलग रखा गया है। ये भी फैसला लिया गया कि हिमाचल भवन, सदन और राज्य अतिथि गृहों में ठहरने पर मंत्रियों और विधायकों को किराए में अब छूट नहीं मिलेगी। इन्हें आम जनता के समान कमरों के किराए की अदायगी करनी होगी। विधायकों, मंत्रियों आदि के लिए इससे पहले 200 रुपये एक कमरे का किराया था। राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों और शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर सभी राज्य के विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया को ठंडे अवस्थे में डालने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि ये स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में की जा रही भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव को उपयुक्त आदेश जारी किए गए हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए थे और उन पर अमल नहीं किया गया, उनको भी रोक दिया गया है। जल शक्ति विभाग में पैरास्टाफ, पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफीटर, मल्टीपर्पज पैराकुक और पैरा हेल्पर के मामले में नया नियुक्ति पत्र और नया भर्ती नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी विभाग की ओर से आगामी आदेशों तक LOC जारी नहीं किए जाएंगे। किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका की मरम्मत की जाएगी और इसकी रिपोर्ट जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता को कार्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। लंबी चल रहे टेंडर को होल्ड करने के निर्देश दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक किसी भी परिस्थिति में इसे जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल कोई नया टेंडर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अभी ये भी फैसला लिया गया कि अटल टनल रोहतांग के बाहर से हटाई गई सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टी का फिर लगेगी। सोनिया गांधी के नाम की पट्टी का 28 जून 2010 को बतौर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित की गई थी। लोक निर्माण विभाग में लेटर ऑफ क्रेडिट जो विभागों को जाता है उसे कैबिनेट की बैठक तक होल्ड करने को कहा गया है। इसके अलावा सुक्खू ने यह भी निर्णय दिया है कि जिन शिकायतों के निवारण के लिए भी एक नीति का निर्धारण होगा। इसके अलावा पूर्व सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में मल्टीटास्क वर्कर भर्तियां जो हुई हैं, इसे लेकर विधायक हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जगत सिंह नेगी, संजय रत्न, मोहनलाल ब्राक्टा को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी इन भर्तियों सहित पैरा वर्कर भर्तियों के मामले भी देखेगी। अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए भी फैसला लिया जाएगा। लड़कियों की शादी तक और लड़कों को नौकरी मिलने तक इन्हें गोद लिया जाएगा। इसके लिए विधायक राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इन्हें अनाथ आश्रमों में जाने के लिए कहा गया है, जिससे इन बच्चों के लिए नीति बनाई जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यभार संभालते ही कार्मिक विभाग ने किन्नौर के व्यक्त आबिद हुसैन सादिक का तबादला कर दिया है। आबिद हुसैन को राज्य सचिवालय में विशेष सचिव बन के पद पर नियुक्ति दी गई है। विशेष सचिव बन का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे CP वर्मा को पदभार मुक्त कर दिया गया है। ADM किन्नौर सुरेंद्र सिंह राठौर को व्यक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी और व्यक्त आबिद के बीच भाजपा सरकार के समय आपसी समन्वय ठीक नहीं रहा। भाजपा के नेता सूरत नेगी को अधिक तवज्जो देने से जगत सिंह नेगी अक्सर नाराज रहते थे। तबादले को स्थानीय विधायक की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।